मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7,159 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ मुतासरीन की तैदाद बढ़कर 3,47,79,815 हो गई है। वाज़ेह रहे कि जुमा को मुल्क में 66,09,113 कोविड टीके लगाए गए और इसके साथ ही मजमुई टीकाकारी 1,41,01,26,404 हो गई है। मरकजी वज़ारत बराए सेहत की तरफ से हफ्ते की सुबह जारी एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के कुल 415 केसेस दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 7,286 मरीजों की सेहतियाब होने के बाद इस वबा से निजात पाने वालों की तैदाद 3,82,23,263 हो गई है। इस दौरान एक्टिव केसेस 484 कम होकर 77,032 रह गई है और 378 मरीजों की मौत होने से इस वायरस से मरने वालों की तैदाद 4,89,520 हो गई है। मुल्क में शिफायाबी की शरह 98.40%, एक्टिव केसेस की शरह 0.22% और शरह अमवात 1.38% तक पहुंच गई है। इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस केरला में है। यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में एक्टिव केसेस 1,018 कम होकर 2,685 रह गई थी और रियासत में 3,281 मरीजों के सेहतियाब होने से कोरोना से निजात पाने वालों की तैदाद बढ़कर 51,58,423 हो गई है। इसी अरसे में मजीद 342 मरीजों की मौत होने से मरने वालों की तैदाद 4,06,320 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में केरला में कोरोना इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज्यादा मौत हुई है। महाराष्ट्र में इस अरसे में सबसे ज्यादा 350 एक्टिव केसेस बढ़ने से एक्टिव केसेस की तैदाद बढ़कर 12,108 हो गई है, जबकि मजीद 12 मरीजों की मौत से मरने वालों की तैदाद बढ़कर 14,14,004 हो गई है। वहीं मजीद 848 मरीजों के सेहतियाब होने से उनकी कुल तैदाद 65,143 रह गई है।